हेलो फ्रेंड, आज के इस सेशन में हम स्ट्रीम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। स्ट्रीम क्या है, कितने प्रकार का स्ट्रीम है, कैसा कैसा स्ट्रीम फॉलो करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आईआईटी जाम, जीएसआई, गेट नेट, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो वहाँ से दोस्तों इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्ट्रीम जनरली दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। जो स्ट्रीम है दुनिया में दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या? एक होता है हमारा सीक्वेंस स्ट्रीम, सीक्वेंस स्ट्रीम। दूसरा स्ट्रीम होता है इनसीक्वेंस स्ट्रीम। ओके, एक होता है दोस्तों सीक्वेंस स्ट्रीम, दूसरा होता है इनसीक्वेंस स्ट्रीम। देन जो सीक्वेंस स्ट्रीम है ये दोस्तों जनरली हमारे जो रीजनल स्लोप है स्लोप को फॉलो करता है। स्लोप जो होता है रीजनल उसको दोस्तों फॉलो करता है। लेकिन जो इनसीक्वेंस स्ट्रीम है, और इनसीक्वेंट स्ट्रीम भी उसको बोलते हैं, इनसीक्वेंस और इनसीक्वेंट, दैट डजंट फॉलो दी डज नॉट फॉलो क्या है दोस्तों, रीजनल स्लोप। स्लोप को ये दोस्तों फॉलो नहीं करता है। मतलब ये एक स्ट्रीम है जो सीक्वेंस स्ट्रीम, ये एक आप पहाड़ समझ लीजिए, यहाँ पे स्ट्रीम दोस्तों यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ पे पहाड़ भी निकल गया तो स्ट्रीम आ रहा है दोस्तों, पहाड़ को कट कर देगा। ओके, तो स्लोप के ऑपोजिट में भी यहाँ पे स्ट्रीम जो है इनसीक्वेंस स्ट्रीम वो पास कर सकता है। ये दोनों है, सीक्वेंस स्ट्रीम जो कि स्ट्रक्चर और स्लोप को फॉलो करता है, जो रीजनल स्ट्रक्चर होगा, लेकिन इनसीक्वेंस स्ट्रीम दैट डजंट फॉलो द स्लोप। तो सीक्वेंस स्ट्रीम चार प्रकार के होते हैं। क्या क्या है दोस्तों, एक एक मैं बताऊंगा। एक होता है कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। दूसरा होता है सबसीक्वेंट स्ट्रीम, तीसरा होता है हमारा ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम, एंड चौथा होता है दोस्तों हमारा रेसिक्वेंट स्ट्रीम। यही है दोस्तों कॉन्सिक्वेंट, सबसीक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट एंड रेसिक्वेंट। देन इनसीक्वेंस स्ट्रीम क्या है दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं हमारा। एक होता है एंटीसीडेंट स्ट्रीम, एंड दूसरा होता है हमारा सुपरइम्पोज स्ट्रीम, सुपरइम्पोज स्ट्रीम। ओके, तो स्ट्रीम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, फिर से बता रहा हूं, दो प्रकार के होते हैं। एक सीक्वेंस स्ट्रीम है, दूसरा इनसीक्वेंस स्ट्रीम है। सीक्वेंस स्ट्रीम में दोस्तों क्या है कि ये जो स्ट्रीम है स्लोप को फॉलो करता है, रीजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है दोस्तों, स्ट्रक्चर को भी फॉलो करता है। लेकिन ये क्या है कि रीजनल स्ट्रक्चर को भी फॉलो नहीं करता है, स्लोप को भी फॉलो नहीं करता है। ये स्ट्रीम दो प्रकार के होते हैं, एक एंटीसीडेंट स्ट्रीम, दूसरा है सुपरइम्पोज स्ट्रीम। ओके, सुपरइम्पोज स्ट्रीम, और ये चार प्रकार के स्ट्रीम होते हैं, कॉन्सिक्वेंट, सबसीक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट एंड रिसीक्वेंट स्ट्रीम। तो चलिए दोस्तों वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं कॉन्सिक्वेंस स्ट्रीम क्या है। जनरली आपको एक एरिया में जो मेन स्ट्रीम होता है दोस्तों, ओरिजिनल स्ट्रीम होता है दोस्तों, उसको हम कॉन्सिक्वेंस स्ट्रीम बोलते हैं, मेन स्ट्रीम। लेकिन मेन स्ट्रीम ये है दोस्तों हमारा मेन स्ट्रीम, कॉन्सिक्वेंस स्ट्रीम बोलते हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम के साथ जो ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम होते हैं जो कि मेन स्ट्रीम को वाटर प्रोवाइड करते हैं, इसको हम दोस्तों सबसीक्वेंट स्ट्रीम बोलते हैं, सबसीक्वेंट स्ट्रीम। जो स्ट्रीम की जो मेन स्ट्रीम को ट्रांसवर्सली कनेक्टेड होता है, ये दोस्तों वर्टिकल आप देख सकते हैं, ट्रांसवर्स थोड़ा होगा तो उसको हम सबसीक्वेंट स्ट्रीम बोलते हैं। रेसिक्वेंट स्ट्रीम जो है दोस्तों वो मेनली दोस्तों मेन स्ट्रीम को पैरेलली फ्लो करता है, लेकिन इसका जो वाटर दोस्तों पहले सबसीक्वेंट को आएगा, सबसीक्वेंट दोस्तों मेन स्ट्रीम को आएगा। ये जो आपको बता रहा हूँ दोस्तों ये थोड़ा अल्टीट्यूड डिफरेंस में भी होगा, मेन स्ट्रीम थोड़ा नीचे होगा और सबसीक्वेंट स्ट्रीम, और आप देख रहे हो जो मतलब कि रिसीक्वेंट स्ट्रीम दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो पहले हम देखते हैं, उसके बाद और एक स्ट्रीम के बारे में बताना भूल गया दोस्तों, वो है ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम। ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम दोस्तों अपोजिट डिरेक्शन, जैसे कि आप देख रहे हैं ये दोस्तों हमारा रिसीक्वेंट स्ट्रीम एक हायर एलिवेशन पे ये मूव कर रहा है, ये भी ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम दोस्तों अपोजिट डिरेक्शन, ये मेन स्ट्रीम का डिरेक्शन है दोस्तों, ये दोस्तों अपोजिट स्ट्रीम का डिरेक्शन है। कहने का मतलब आप समझ लीजिए, स्ट्रक्चर को 3D में ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये एक एरिया समझ लीजिए, ये भी एक एरिया है। ओके, ये एक यहाँ पे एक स्ट्रीम फ्लो कर रहा है दोस्तों, ये नीचे में एक स्ट्रीम फ्लो हो रहा है। ओके, नीचे में एक स्ट्रीम फ्लो हो रहा है, तो
यहाँ पे दोस्तों एक रिवर फ्लो हो रहा है, ये अपना हमारा मेन स्ट्रीम है, ओके मेन स्ट्रीम मूवमेंट। ऑफ सॉरी सबसिक्वेंट स्ट्रीम क्या होगा दोस्तों, सबसिक्वेंट स्ट्रीम यही है दोस्तों, यहाँ से फ्लो होके यहाँ पे दोस्तों सबसिक्वेंट स्ट्रीम मीटअप हो रहा है जो ट्रांसवर्सली मेन स्ट्रीम को कनेक्टेड है ट्रांसवर्स। तो ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम क्या है दोस्तों, ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम ये मेन स्ट्रीम का फ्लोइंग डायरेक्शन है, ये मेन स्ट्रीम का फ्लोइंग डायरेक्शन है, ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम दोस्तों उसका अपोजिटली मूव करेगा एट ए हायर अल्टीट्यूड, आप देख सकते हैं अल्टीट्यूड ऊपर है तो यहाँ पे मूव करेगा और सबसिक्वेंट स्ट्रीम को दोस्तों टच करेगा, ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम सबसिक्वेंट स्ट्रीम को टच करेगा, इसका वाटर सबसिक्वेंट स्ट्रीम में जाएगा, सबसिक्वेंट से दोस्तों ये मेन स्ट्रीम को फ्लो करेगा। लेकिन ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम का डेफिनेशन क्या है दोस्तों, मेन स्ट्रीम जैसा मूवमेंट कर रहा है ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, मेन स्ट्रीम जैसा मूव कर रहा है दोस्तों ये मेन स्ट्रीम का मूवमेंट पाथ देख सकते हैं, देन ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम दोस्तों उसका अपोजिट ऐसे मूव करेगा दोस्तों ये ऊपर में, और रिसिक्वेंट स्ट्रीम दोस्तों पैरेलल, ये दोस्तों जैसा मूव कर रहा है रिसिक्वेंट स्ट्रीम दोस्तों पैरेलल ही मूव करेगा, ओके एक हायर अल्टीट्यूड पे, और रिसिक्वेंट का जो वाटर आएगा सबसिक्वेंट को आएगा, सबसिक्वेंट से दोस्तों मेन स्ट्रीम को जाएगा। दोस्तों यही था टोटल थ्योरी जो कि सिक्वेंस स्ट्रीम है, चार प्रकार के, एक कॉन्सिक्वेंस सबसिक्वेंस एंड ऑब्सिक्वेंट रिसिक्वेंट। यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं एक कॉन्सिक्वेंस स्ट्रीम क्या है दोस्तों, फास्ट स्ट्रीम जो कि मेन स्ट्रीम होता है, ये हमारा कॉन्सिक्वेंस स्ट्रीम है, ओके फास्ट स्ट्रीम जो कि मेन स्ट्रीम होता है उसको हम दोस्तों कॉन्सिक्वेंस स्ट्रीम बोलते हैं, ये वाला स्ट्रीम। तो उसके बाद सबसिक्वेंस स्ट्रीम दोस्तों जो मतलब कि ट्रांसवर्सली जॉइंटेड है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों सबसिक्वेंट ट्रिब्यूटरी टू दी कॉन्सिक्वेंस स्ट्रीम, जो ये मेन स्ट्रीम है दोस्तों इसको ट्रिब्यूटरी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सबसिक्वेंस स्ट्रीम बोलते हैं, ओके जनरली यहाँ पे जो भी स्ट्रीम बता रहा हूँ ये अपने स्ट्रक्चर स्लोप को फॉलो करते हैं दोस्तों। ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम दोस्तों अपोजिट, मेन स्ट्रीम जैसा मूव कर रहा है दोस्तों उसका थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करेगा, ट्रिब्यूटरी ऑफ द सबसिक्वेंट स्ट्रीम, हाँ सबसिक्वेंट स्ट्रीम का जो ट्रिब्यूटरी है दोस्तों उसको हम ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पिक्चर में थोड़ा यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा अलग पिक्चर में दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे आप देखिए दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा कॉन्सिक्वेंस स्ट्रीम है मेन स्ट्रीम, यहाँ पे वाटर इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे समझिए वाटर दोस्तों इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, वाटर इसी डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, ओके तो उसका जो ऑब्सिक्वेंस उसका जो सबसिक्वेंस स्ट्रीम होगा जो ट्रांसवर्सली मेन स्ट्रीम को कनेक्टेड होगा, ये सबसिक्वेंस स्ट्रीम है, सबसिक्वेंस स्ट्रीम है दोस्तों ट्रांसवर्सली कैसे मेन स्ट्रीम के साथ कनेक्टेड है। लेकिन ऑब्सिक्वेंस स्ट्रीम दोस्तों अपोजिट, यहाँ पे वाटर ऐसा मूव कर रहा है, वाटर ऐसा मूव कर रहा है, ऑब्सिक्वेंस स्ट्रीम का वाटर देखिए दोस्तों अपोजिट जा रहा है, ऑब्सिक्वेंस स्ट्रीम का वाटर दोस्तों ऐसे अपोजिट जा रहा है, ये मेन स्ट्रीम का वाटर पाथ है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, ऑब्सिक्वेंस स्ट्रीम का जो वाटर डायरेक्शन है अपोजिट जा रहा है, और रिसिक्वेंस स्ट्रीम आप देख सकते हैं रिसिक्वेंस स्ट्रीम ये है, देखिए दोस्तों रिसिक्वेंट ये मेन स्ट्रीम जैसा मूव कर रहा है दोस्तों, मेन स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है पाथ डायरेक्शन है जैसा मूव कर रहा है दोस्तों, ये भी देखिए दोस्तों उसका भी डायरेक्शन ऐसे ही पाथ फॉलो हो रहा है, उसका जो वाटर है रिसिक्वेंस स्ट्रीम का सबसिक्वेंट में एड हो रहा है, सबसिक्वेंट से दोस्तों मेन स्ट्रीम को जा रहा है। दोस्तों कॉन्सिक्वेंट का एक ट्रिब्यूटरी है सबसिक्वेंट, एंड सबसिक्वेंट का बोथ ट्रिब्यूटरी रिसिक्वेंट एंड ऑब्सिक्वेंट होता है जनरली, इस डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं, ये दोस्तों हमारा सबसिक्वेंस स्ट्रीम जो कि ट्रांसवर्सली कॉन्सिक्वेंस स्ट्रीम को यहाँ पे कनेक्टेड हो रहे हैं, और यहाँ से जो ट्रिब्यूटरी है एक रिसिक्वेंट स्ट्रीम जो कि कॉन्सिक्वेंस स्ट्रीम से स्ट्रीम के साथ पैरेलली दोस्तों वाटर फ्लो हो रहा है, और ऑब्सिक्वेंस स्ट्रीम दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में वाटर फ्लो करते हैं। दोस्तों ये चार आपको शायद समझ में आ गया होगा, ये मेन स्ट्रीम, ये दोस्तों ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम जो कि एक सबसिक्वेंट होता है जो ट्रांसवर्सली मेन स्ट्रीम को कनेक्टेड होता है, और दोस्तों रिसिक्वेंस स्ट्रीम पैरेलली मूव करता है, रिसिक्वेंस स्ट्रीम का जो वाटर मूवमेंट होता है जैसा होता है दोस्तों कॉन्सिक्वेंट का भी मूव पैरेलली होता है, और ऑब्सिक्वेंट का लेकिन अपोजिट होता है, कॉन्सिक्वेंस स्ट्रीम का ऐसे मूव हो रहा है ना, ऑब्सिक्वेंस स्ट्रीम का दोस्तों उसके अपोजिट डायरेक्शन में वाटर फ्लो करता है एक हायर अल्टीट्यूड में। तो यही था दोस्तों आपका सभी सिक्वेंस स्ट्रीम के बारे में जो कि ये स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं मेनली, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे या ये दोस्तों स्ट्रक्चर रीजनल स्ट्रक्चर कैसा है, स्लोप कैसा है दोस्तों उस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन इनसिक्वेंस स्ट्रीम जो है, इनसिक्वेंस स्ट्रीम जो है दोस्तों वो कभी भी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते, स्ट्रक्चर से वो दोस्तों थोड़ा चेंज होते। तो इनसिक्वेंस स्ट्रीम में दोस्तों दो स्ट्रक्चर मतलब कि स्ट्रीम आपको दिखेगा, एक है एंटासीडेंट स्ट्रीम ओके, और दूसरा है सुपरइम्पोज स्ट्रीम। तो पहले हम डिस्कशन करते हैं दोस्तों एंटासीडेंट स्ट्रीम क्या होता है,
आप समझ लीजिए एक रीजनल स्ट्रक्चर का अपलिफ्टमेंट हो रहा है, एक रीजनल स्ट्रक्चर का अपलिफ्टमेंट हो रहा है, लेकिन एंटीसीडेंट स्ट्रीम में इतना जो भी बहुत ही फोर्स से आते हैं दोस्तों, और अपलिफ्टमेंट हो रहा है फिर भी इसको कट करके दोस्तों रिवर पास करेगा। ओके, आप समझिए एक रिवर दोस्तों पहले से ही मूवमेंट कर रहा है, लेकिन ड्यू टू सम डिफॉर्मेशन अपलिफ्टमेंट एक्टिविटी एक दोस्तों यहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग हो रहा है। रिवर दोस्तों ये पहले ऐसे फ्लो कर रहा था, लेकिन फ्लो तो कर रहा था दोस्तों, लेकिन प्रॉब्लम यह आ गया कि यहाँ पे एक फोल्ड माउंटेन डेवलप हो गया। लेकिन फोल्ड माउंटेन डेवलप हो रहा है तभी भी दोस्तों ये रिवर इस फोल्ड को कट करके दोस्तों, इस फोल्ड को कट करके दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो अपलिफ्टमेंट हो रहा है, लेकिन इसका रिवर का फोर्स इतना है कि इस स्ट्रीम ने इस फोल्ड को दोस्तों कट करके दोस्तों पार हो रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रीम का वेलोसिटी आप समझ सकते हैं, स्ट्रीम का एनर्जी आप समझ सकते हैं, इसको हम एंटीसीडेंट स्ट्रीम बोलते हैं। आप समझिए ये बात को, एंटीसीडेंट स्ट्रीम, दिस स्ट्रीम वाज देयर फास्ट By gum, it's going to keep its path, whatever upliftment or erosion happen. दोस्तों antecedent stream वही है दोस्तों जो पहले था, अगर कोई भी erosional, अगर कोई भी upliftment और कोई भी deformational structure हो रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन stream जैसा था दोस्तों ऐसा ही movement करेगा। ये पहला stream है आप देखिए, लेकिन यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बेल्ट डेवलप हो रहा है, लेकिन फिर भी स्ट्रीम जैसा ऐसा था क्योंकि स्ट्रीम का इतना फोर्स है कि फोल्ड को कट कर रहा है दोस्तों, ये पार हो रहा है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इतना फोर्स है कि स्ट्रीम ऐसे मूव, जैसे मूव करता था दोस्तों, यहाँ पे भी ऐसे मूव कर रहा है और यहाँ पे पार हो रहा है ये ब्लॉक माउंटेन एनवायरनमेंट में। कहने का मतलब बेस्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ दोस्तों, आप गंगा रिवर को देख सकते हैं। गंगा रिवर दोस्तों बहुत ही हायर अल्टीट्यूड से आता है, पहले तो ये हमारा एक सीक्वेंस स्ट्रीम था जो कि स्लोप वो मानता था, लेकिन यहाँ पे एक शिवालिक माउंटेन है दोस्तों। यहाँ पे लोअर पार्ट ऑफ हिमालय पे एक शिवालिक माउंटेन रेंजेस होते हैं, तो गंगा रिवर दोस्तों मतलब सेंटर जो हमारा हिमालय है, हिमालय जो ग्रेटर हिमालय वहां से निकल के आ रहा है दोस्तों, लेकिन गंगा जी का बहुत ही फोर्स के कारण दोस्तों और शिवालिक को कट करके वो प्लेन पे एंट्री मार रहा है हरिद्वार के पास। कहने का मतलब अगर एक अपलिफ्टमेंट हो रहा है सेडिमेंट डिपोजिशन के कारण क्या शिवालिक, लेकिन जो गंगा है दोस्तों शिवालिक को कट कर रहा है, उसका फोर्स को समझिए आप, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, एंटीसीडेंट स्ट्रीम। क्योंकि रिवर का फ्लो वेलोसिटी में क्या होता है कि उसका जो सामने में मतलब कि एक नेगेटिव स्लोप आ रहा है, ऑपोजिट स्लोप आ रहा है, उसको दोस्तों वो कट करके दोस्तों आगे बढ़ रहा है, तो इसको हम एंटीसीडेंट स्ट्रीम बोलते हैं। ये हमारा गंगा है, सॉरी ये हमारा हिमालय है, यह हमारा एक माउंटेन है शिवालिक, जिसको हम बोलते हैं शिवालिक। दोस्तों गंगा जी यहां से आ रहे हैं बहुत ही फोर्स से दोस्तों, इसको ये एक ऑपोजिट स्लोप आ गया। रिवर जनरली दोस्तों स्लोप डाउन स्लोप में मूवमेंट करते हैं, लेकिन ये एक ऑपोजिट स्लोप आप देख सकते हैं, इस ऑपोजिट स्लोप को दोस्तों ये रिवर कट करेगा और आगे मूव करेगा, तो इसको हम एंटीसीडेंट स्ट्रीम, एंटीसीडेंट स्ट्रीम बोलते हैं। तो यही था दोस्तों इनसिक्वेंट स्ट्रीम। इनसिक्वेंट स्ट्रीम में एक है एंटीसीडेंट स्ट्रीम और दूसरा जो कि ओभी स्लोप को फॉलो नहीं करता, उसको हम बोलते हैं सुपर इम्पोज स्ट्रीम। तो चलिए दोस्तों सुपर इम्पोज स्ट्रीम के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सुपर इम्पोज स्ट्रीम पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, उसके बाद यहां पे आएंगे। सुपर इम्पोज स्ट्रीम आप समझ लीजिए एक एरिया है दोस्तों, ये एक एरिया है, यहां पे आपका डीप डिरेक्शन है दोस्तों, ये आपका डीप डिरेक्शन है। ओके, इस एरिया पे दोस्तों वोल्कनिज्म हो गया, इस एरिया पे क्या हो गया दोस्तों, वोल्कनिज्म हो गया। ओके, यहां पे मैग्मा आ गया तो वोल्कनिक इरप्शन हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको भी पता है वोल्कनिज्म के कारण कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे सेकेंडरी पोरोसिटी डेवलप हो जाते हैं, लाइक क्रैक, जॉइंट, फ्रैक्चर, ये सब हो जाते हैं, तो वहां पे दोस्तों वाटर स्टोरेज होने लगता है। ओके, वाटर स्टोरेज होने लगता है, लेकिन वाटर का प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, वाटर विल मूव टुवर्ड्स डाउनवर्ड, तो यहाँ पे दोस्तों वाटर मूव करेगा डाउनवर्ड। ओके, वाटर क्या करेगा दोस्तों, इस एरिया पे पूरा वोल्कनिज्म ही समझ लीजिए ना, ये एरिया पूरा वोल्कनिज्म हुआ है, तो वाटर अभी क्या कर रहा है कि दोस्तों ये मूव कर रहा है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मूव करते करते क्या होगा कि ये जो वोल्कनिक एरिया था दोस्तों इसको इरोड कर जाएगा, ये जो वोल्कनिक एरिया था दोस्तों क्या करेगा कि इरोड कर जाएगा, तो इतना इरोड कर जाएगा कि आने वाले समय पे दोस्तों ये रिवर इसी बेड के ऊपर फ्लो करेगा। इस बेड का एक डिफरेंशियल आप देख सकते हैं, डिपिंग है। पहले क्या था, पहले दोस्तों यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखिए, पहले ये ओरिजिनल बेड था ऐसा ऐसा ऐसा, इसके बाद इस ओरिजिनल बेड पे एक बहुत बड़ा वोल्केनिक एक्टिविटी, टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन हुआ, लेकिन उसके बाद दोस्तों थर्ड में यहाँ से एक रिवर निकला,
रिवर निकला दोस्तों, रिवर का वेदरिंग के कारण दोस्तों, रिवर का वेदरिंग एक्शन के कारण दोस्तों, ये बेस रिवर एक्चुअली क्या होता है, बेस लेवल इरोजन करता है दोस्तों। यहाँ से तो आपका माउंटेन निकला था, लेकिन वेदरिंग के कारण दोस्तों क्या हो गया कि रिवर अभी यहाँ पे फ्लो कर रहा है, बहुत ही वेदरिंग हो गया। तो पहले डीप ऐसा था दोस्तों, उसका जो इरोजन के कारण दोस्तों वो एक दूसरा एक ऑपोजिट डायरेक्टेड डीप पे अभी जो लोअर बेड था उस पे दोस्तों फ्लो कर रहा है। तो इसको हम दोस्तों सुपर इम्पोज स्ट्रीम बोलेंगे। दिस स्ट्रीम एग्जिबिट डिस्कॉर्डेंट विद द अंडरलाइंग रॉक बिकॉज द कवर ऑफ द रॉक ऑन व्हिच मास स्ट्रीम हैव ओरिजिनेटेड इज लॉस्ट ड्यू टू इरोजन। जो पहला वाला जो यहाँ पे था दोस्तों, ये वोल्केनिज्म के कारण जो उसका जहां से निकला था जो स्ट्रीम दोस्तों, ये इरोड हो जाता है। इरोड होने के कारण ये दोस्तों नीचे वाले लोअर वाले पार्ट में और दोस्तों एक डिस्कॉर्डेंट रिलेशन के साथ मूव करता है। डिस्कॉर्डेंट मतलब इसका डीप होगा एक डिरेक्शन में, लेकिन रिवर फ्लो करेगा इसी डिरेक्शन में। दोस्तों ये जो डिस्कॉर्डेंट रिलेशनशिप में स्ट्रीम फ्लो करता है दोस्तों, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, सुपर इम्पोज स्ट्रीम। कहने का मतलब आप ये बात को अभी समझिए दोस्तों, सुपर इम्पोज स्ट्रीम ए रिवर लेट डाउन ऑन टू ए वोरिड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बाय इरोजन ऑफ ओवरलाइंग लेयर। जो दोस्तों ओवरलाइंग लेयर था दोस्तों, और जो वोल्केनिज्म और जो भी डिफॉर्मेशन एक्टिविटी के वजह से ओवरलाइंग लेयर था दोस्तों, इसको इरोड कर देगा। इरोड करने के बाद जो नीचे वाले लेयर में दोस्तों रिवर फ्लो करेगा, तो इसको हम दोस्तों सुपर इम्पोज स्ट्रीम बोलते हैं। सुपर इम्पोज स्ट्रीम आप तभी आपको पता लगेगा, नहीं तो आप दोस्तों कंफ्यूजन भी हो जाएंगे, क्योंकि विदाउट नॉलेज ऑफ रीजनल जियोलॉजिक हिस्ट्री डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द एंटीसेडेंट स्ट्रीम एंड सुपर इम्पोज स्ट्रीम कैन बी वेरी मच डिफिकल्ट। दोस्तों आपको पता नहीं लगेगा कि ये एंटीसेडेंट स्ट्रीम है या सुपर इम्पोज स्ट्रीम है, क्योंकि दोस्तों जब मतलब कि और फील्ड में दोस्तों दोनों ही सेम टाइप का दिखते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले दोस्तों ये एरिया था, पहले आप देख सकते हैं, पहले ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। पहले क्या था दोस्तों, ये एरिया था दोस्तों, ये सेडिमेंट्री एरिया था। ओके, यहाँ पे दोस्तों रिवर आराम से फ्लो कर रहा है, लेकिन रिवर का प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, इरोजन करेगा। ये देखिए इरोड कर गया, तो अभी रिवर बहुत ही नीचे फ्लो कर रहा है। नीचे क्या हुआ है देखिए दोस्तों, बहुत सारे माउंटेन बेल्ट डेवलप हुआ है दोस्तों, तो रिवर इस माउंटेन को कट कर रहा है, कट कर रहा है और अभी फ्लो कर रहा है। पहले कहाँ पे फ्लो करता था, अभी ये देखिए दोस्तों सेडिमेंट्री एनवायरमेंट पे, मतलब कि एक बहुत ही बड़ा डिपोजिशनल एनवायरमेंट में रिवर फ्लो करने लग गया, लेकिन इरोजन के कारण नीचे नीचे दोस्तों फोल्डिंग एक्टिविटी हुआ है, नीचे दोस्तों एक डिफरेंट उसका जियोलॉजिक स्ट्रक्चर है, तो इरोजन कर गया, इतना कर गया कि देखिए दोस्तों अभी अभी रिवर यहाँ ये वाले इस वाले स्ट्रक्चर में अभी फ्लो कर रहा है। तो इसका दोस्तों जो स्ट्रक्चर है ये दोस्तों एक डिस्कॉर्डेंट रिलेशनशिप है, यहाँ पे फोल्डिंग है फिर भी रिवर आराम से फ्लो कर रहा है, फोल्डिंग है फ्लो कर रहा है आराम से। तो ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, इसको हम सुपर इम्पोज स्ट्रीम बोलेंगे। एक जगह पे आपको यहाँ पे वोल्केनिज्म हो गया, सेडिमेंट लोड हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो रिवर आराम से यहाँ पे फ्लो कर रिवर आराम से यहाँ पे फ्लो करेगा, लेकिन इतना इरोजन कर जाएगा, इतना इरोजन कर जाएगा अभी दोस्तों नीचे वाले हिस्से में, अभी ये वाला एरिया में दोस्तों अभी क्या करेगा कि रिवर फ्लो करेगा ये वाला एरिया में। तो इसका जो रिवर का जो स्ट्रक्चर और जो नीचे वाले में जो फोल्डेड स्ट्रक्चर देख रहे हो दोस्तों, ये दोस्तों एक डिस्कॉर्डेंट रिलेशनशिप में होंगे, फिर भी ये रिवर पास करेगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं सुपर इम्पोज स्ट्रीम। तो यही था दोस्तों आपका स्ट्रीम पैटर्न, जो कि आपको चार स्ट्रीम के बारे में थोड़ा मौखिक ज्ञान दिया। स्ट्रीम क्या है दोस्तों दो स्ट्रीम है, एक होता है सीक्वेंस स्ट्रीम, दूसरा होता है इनसीक्वेंस स्ट्रीम। सीक्वेंस स्ट्रीम चार प्रकार के होते हैं, सबसीक्वेंट, रेसीक्वेंट, ऑबसीक्वेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट दोस्तों मेन स्ट्रीम होता है, और कॉन्सिक्वेंस स्ट्रीम का दोस्तों ट्रिब्यूटरी सबसीक्वेंस स्ट्रीम होता है, जो ट्रांसवर्सली कॉन्सिक्वेंस स्ट्रीम के साथ अटैच होता है। उसके बाद सबसीक्वेंस स्ट्रीम का जो मतलब कि ट्रिब्यूटरी होते हैं, और दोनों रेसीक्वेंट होते हैं और ऑबसीक्वेंट होते हैं। ऑबसीक्वेंट का जो मूवमेंट पाथ होता है दोस्तों मेन स्ट्रीम से ऑपोजिट रहता है। मेन स्ट्रीम जैसे मूव कर रहा है पानी, उसका ऑपोजिट डिरेक्शन में ऑबसीक्वेंट स्ट्रीम में दोस्तों पानी मूव करेगा। और दोस्तों जो सबसीक्वेंट स्ट्रीम से और एक स्ट्रीम होता है जो रेसीक्वेंट स्ट्रीम, आप देख सकते हैं रेसीक्वेंट स्ट्रीम का डिरेक्शन दोस्तों पानी का मूवमेंट डिरेक्शन कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम के साथ पैरेलली होता है। इसका स्ट्रीम ऐसे मूव कर रहा है ना, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम ऐसा मूव कर रहा है, ये ऐसा ऐसे। तो यही था दोस्तों आपका मतलब कि सीक्वेंस स्ट्रीम। उसके बाद दोस्तों इनसीक्वेंस स्ट्रीम दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एंटीसेडेंट स्ट्रीम और सुपर इम्पोज स्ट्रीम। एंटीसेडेंट स्ट्रीम क्या होता है कि वो दोस्तों कोई भी अपलिफ्टमेंट हो गया, रिवर दोस्तों पूरा कट करके निकल जाएगा,
ओके कोई भी अपलिफ्टमेंट हो गया, यहाँ पे पहाड़ बन रहा है दोस्तों, रिवर यहाँ पे फ्लो कर रहा है, इसको पहाड़ को भी कट कर लेगा, और सुपर इम्पोज स्ट्रीम इरोजन के वजह से एक डिस्कॉर्डेंट रिलेशनशिप में अगर रिवर फ्लो कर रहा है तो इसको हम सुपर इम्पोज स्ट्रीम बोलेंगे।